इंडोर रखे या आउटडोर कैसे भी रख सकते हैं, जहाँ भी आपको रख लिया। और पीछे आप देख सकते हो एक फेयरी गार्डन है। तो ये दो लीफ मैंने लगाई थी और कितने सारे बेबी प्लांट्स मल्टीप्लाई हो गए हैं। हाय गार्डनर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री जी की कृपा से हम भी मजे में हैं। वेलकम टू अनदर गार्डनिंग व्लॉग। तो होम डेकोर की जब बात आती है तो सेरेमिक प्लांटर्स, इंडोर प्लांट्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसे हर कोई लगाना चाहता है। पर अक्सर हम खूबसूरत प्लांटर्स लेकर आते हैं और इन सेरेमिक प्लांटर्स में हमारे जो प्लांट्स हैं, स्पेशली इंडोर अगर हम रखते हैं तो वो डाई हो जाते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूंगी। पहला, सेरेमिक प्लांटर्स में प्लांट्स क्यों मर जाते हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से प्लांट इन प्लांटर्स में टिक नहीं पाते हैं, और दूसरा, क्योंकि आज मैं ज़्यादातर प्लांट स्नेक प्लांट लगा रही हूँ तो उसकी केयर प्रोपोगेशन के बारे में भी बात करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की है, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ और हैक्स इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और किसी भी मोमेंट पे अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पर अक्सर मैं होम एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस भी शेयर करती हूँ और वीकेंड्स में गार्डनिंग वीडियोस शेयर करती हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो क्योंकि स्नेक प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसके लिए आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। ध्यान रखिए, एक्सेस वाटर जैसे ही प्लांटर में होगा ये प्लांट डाई हो जाएगा। और अगर आप इसको 20 डेज, 25 डेज, इनफैक्ट एक महीने तक भी पानी नहीं देंगे ना तब भी ये चल जाएगा। पर थोड़ा सा भी पानी अगर पॉट में इकट्ठा हुआ तो इसकी रूट्स गल जाएंगी और फिर इसका बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो बारिश के बहुत ज़्यादा पानी से इसको बचाएं और वाटरिंग तभी करें जब आपको टॉप सॉइल अच्छी तरह सूखी हुई दिखे। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए मैंने लिया है 70% गार्डन सॉइल जिसमें ऑलरेडी खाद मिला हुआ है और 30% कोकोपीट। तो इसके साथ ही मैंने इसमें 2 टीस्पून एप्सम सॉल्ट भी डाला है। इससे जो कटिंग्स हैं या जो बेबी प्लांट्स हैं उनको अच्छे से ग्रोथ होने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपके पास फंजीसाइड है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो मैं जब इस प्लांट को पानी दूंगी तो इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी, तो वो भी एक फंजीसाइड के जैसे वर्क करता है। इंसेक्ट्स के अटैक को आप उससे रोक सकते हैं। तो अब आ जाते हैं पहली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर, यानी कि सेरेमिक प्लांटर्स में प्लांट्स को कैसे लगाएं, क्यों मर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया है, कि ये जो चीनी मिट्टी के प्लांट है ना, इसमें से एयर सर्कुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता ही है, तभी वो आई गेस प्लांट्स मर जाते हैं। मेरा तो एक भी प्लांट अभी तक नहीं टिका है सेरेमिक प्लांटर्स में। मैंने प्लास्टिक प्लांटर्स भी यूज़ किए हैं, नर्सरी पॉट्स भी यूज़ किए हैं, फाइबर पॉट्स और अर्दन पॉट्स तो होते ही हैं हमारे। सभी तरह के प्लांटर्स में मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, बट सेरेमिक प्लांटर में ना जाने क्यों डाई हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने आज ये निकाला है कि अब से मैं डायरेक्टली सेरेमिक प्लांटर में कभी भी प्लांट्स नहीं लगाऊंगी। आप भी ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब भी आप प्लांटर्स लगाते हैं तो नर्सरी पॉट या किसी प्लास्टिक वेस्ट कंटेनर में ये प्लांट्स लगाइए, उसके बाद ये कंटेनर आप अपने डिज़ाइनर सेरेमिक प्लांटर्स में रख सकते हैं। तो इसके दो बेनिफिट्स होंगे।
एक तो प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। आपने देखा होगा कि जो नर्सरी पॉट्स है ये अक्सर नर्सरी में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं और एयर सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है और ये लाइट वेटेड होते हैं। तो इन नर्सरी पॉट्स में प्लांटर लगाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब हम इन प्लांट्स को इनडोर रखते हैं ना तो सेरेमिक प्लांटर्स बहुत हैवी होते हैं और उन्हें एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आता है। जैसे कि इंडोर प्लांट्स को भी हमें वीक में एक बार सनलाइट या ब्राइट सनलाइट दिखानी पड़ती है जिसकी वजह से हमें बड़े बड़े बल्कि जो प्लांटर्स होते हैं ना उनको कैरी करना पड़ता है और वो ईजी नहीं होता है मैनेज करना। तो ये प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा रहता है, फटाफट से नर्सरी पॉट निकाला, लाइट वेटेड भी होता है, सनलाइट दिखाई एंड वापस इवनिंग में जब आपको इसे अंदर रखना है तो आप रख सकते हो। और कभी ऐसा भी होता है कि आज हमें ये प्लांट रखने का मन है इस कॉर्नर पे और कल मन करेगा कि यार दूसरे कॉर्नर पे दूसरा प्लांट होना चाहिए इस प्लांटर में, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो देखा, बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये जो छोटे वाले नर्सरी पॉट्स हैं ना, ये आपके छोटे सेरेमिक प्लांटर्स के लिए यूजफुल रहते हैं। तो स्नेक प्लांट्स को ना छोटे पॉट्स बहुत पसंद है, उनको रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। तो अगर सिंगल प्लांट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे प्लांटर्स लेते हैं ना तो वो जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरीके के प्लांटर्स भी होते हैं जिसमें छोटे से छोटे नर्सरी पॉट्स भी नहीं आते हैं, तो आप ना आपके घर में कोई वेस्ट कंटेनर सर्च कर सकते हो या फिर एक और चीज़ आप ले सकते हो जो कि है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स। आप उनको भी कट करके उसमें काफ़ी सारे होल्स बना के उसको भी इन प्लांटर्स में रख के यूज़ कर सकते हो। तो मिट्टी की बात हमने कर ली, सेरेमिक प्लांटर का सोल्यूशन भी निकल गया, वाटरिंग कंडीशन भी देख ली। अब बात करते हैं कि इस प्लांट की प्रोपोगेशन कैसे की जाए और इसकी सनलाइट नीड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये ना प्लांट बड़ा ही सीधू सा है। सबसे पहले प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो एक छोटी सी लीफ से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। पर जो वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं ना, जिसमें आप ये येलो कलर की वेरीगेशन देख रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है येलो ग्रीन का, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको पूरा एक बेबी प्लांट लगाना होगा। सिंगल लीफ से वेरीगेशन नहीं आएगा। ये तो जो आपने देखा मेरा प्लांट डाई होने वाला था, तो मैंने इसको बचा तो लिया है पर इसकी वेरीगेशन खो दी है। आप इसको सिंगल लीफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपको वेरीगेशन चाहिए तो उसके लिए आपको पूरा एक बेबी प्लांट चाहिए होगा। लेकिन आई एम हैप्पी क्योंकि इन माय केस प्लांट को खोने से अच्छा था कि मैंने एक सिंगल लीफ से काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स बना लिए। देखिए आई गेस 3-3.5 महीने हुए होंगे, उसमें 6-7 बेबी प्लांट्स निकल आए हैं छोटे छोटे से।
तो इसकी सनलाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत ही पेशेंस है इस प्लांट में, कम पानी, कम धूप, ज़्यादा धूप, हर जगह इजीली सर्वाइव कर जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है ये। आप चाहें तो आपके बेड साइड टेबल पर, बच्चों के स्टडी टेबल पर, लिविंग एरिया में, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। अगर आपने इसे एक ऐसे एरिया में रखा है जहाँ पर बहुत ही डार्क है, जैसे कि बाथरूम में अगर रख रहे हैं आप, या फिर ऐसी रूम में रख रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है या ब्राइट लाइट भी नहीं आती है, तो फिर कोशिश कीजिएगा कि वीक में एक बार इसको आप ब्राइट सनलाइट के नीचे रख दें। तो स्नेक प्लांट के अलावा मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं छोटे छोटे प्लांटर्स में, मनी प्लांट्स की भी। तो मनी प्लांट के लिए मैं सिर्फ कोकोपीट और कॉम्पोस्ट के मिक्सचर लेती हूँ, उससे मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। और हाँ, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी ऐड करती हूँ अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उसकी प्रोपोगेशन, केयर और उसके लिए मिट्टी कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। मैं आई बटन में लिंक लगा दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ड्रॉप कर दूँगी, वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा। अभी जितनी मुझे रिपोर्टिंग करनी थी आज के दिन में, वो मैंने कर ली है। अभी भी कुछ प्लांट्स हैं जो मुझे लगाने हैं, बट वो मैं कल लगाऊंगी। आज थकान हो गई है और बारिश भी हो रही है और बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है, तो बाकी भी गार्डनिंग करेंगे कल। और सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर रायता फैलाया ना, उसको भी समेटना है मुझे। देखिए ये पूरा सब फैला हुआ है ना, सब इसको समेटना है। ये कोकोपीट और खाद मिली हुई जो मिट्टी बच गई है ना, इसको कल यूज़ करूँगी मैं। और ये कोकोपीट भी बचा है। और ये देखिए हमारे प्लांटर्स, चाहे आप इन्हें इंडोर रखें या आउटडोर, कैसे भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको रखनी हो। और पीछे आप देख सकते हो एक फेयरी गार्डन है, उसको मैं तसल्ली से बनाऊँगी कल या जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट डे आपसे सीधा मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी वाटरिंग कैन ले ली है और मेरे पास एक ये नीम ऑयल है। एक चम्मच मैं एक लीटर पानी में ऐड करके सभी प्लांट्स को स्प्रे कर दूँगी, तो ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल रहता है, इंसेक्ट अटैक भी नहीं होता है नीम ऑयल से। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है ना, तो आप सिंपल एक पिंच हल्दी पाउडर डाल सकते हो या दालचीनी पाउडर डाल सकते हो, उससे भी स्प्रे कर सकते हो आपके प्लांट्स पे। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं डेली अपडेट्स शेयर करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे के कुछ दिनों में मैं आपके साथ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी शेयर करूँगी, जिसमें किचन डेकोर आइडियाज़ रहेंगे, उसके अलावा होम डेकोर एंट्री वे मेकओवर की भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो मेरा एंट्री वे है ना, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं और जल्द ही आपके साथ उन सब की डिटेल्स शेयर करूँगी। तो मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।